बगैर ओढ़नी के सर ढांपे बगैर नमाज नहीं हो। अब आप देखें सर ढांपने के तरीके, आपने सर ढांपा दुपट्टे में से सब कुछ झलक रहा है। कितने लोग हैं जो नेट का दुपट्टा लेके नमाज पढ़ लेते हैं, और शिफोन के दुपट्टे के बारे में समझा जाता है कि अच्छा चलो ठीक है अब क्या करें, दुपट्टा है अब और कौन सा दुपट्टा लें वगैरह वगैरह, तो बाल नजर आते हैं तो जाहिर है फिर तो मामला खराब है। फिर उसके लिए कितना अच्छा है कि सलात के लिए कोई ड्रेस बनवा लें जिसकी वजह से नमाज अच्छी हो जाए। आप नमाज का ड्रेस पहनकर जिस वक्त नमाज पढ़ें, जैसे आप अबाया में पढ़ते हैं, आपका कोई हिस्सा नहीं अगर नजर आता तो आप ज्यादा सुकून नहीं महसूस करते? जैसे हमारी शलवार कमीज या शलवार और एक कमीज और ट्राउजर है या कोई भी किसी इसी नौयत के जो दूसरे ड्रेसेस हैं, उनमें देखें कितनी ज्यादा परेशानी होती है। और खासतौर पर जो हमारा दुपट्टा है, मुझे तो लगता है सजा है दुपट्टा। दुपट्टा इस लिहाज से सजा है कि जो भी नमाज पढ़ता है वो यूं कंधे पे डालता है, सजदे में गए तो वो दुपट्टा नीचे, अच्छा इधर से दुपट्टा आपने उठ के ऊपर डाला, फिर सजदे में गए फिर नीचे, फिर आपने ऊपर डाला फिर खड़े हो गए, सारा वक्त हाथ और दुपट्टे की गेम चलती रहती है, ऐसे लगता है जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो। तो यानी ये जरा थोड़ा सा अजीब तरीका ना, उल्टा बैडमिंटन खेल रहे हो। तो आप ये देखें कि आप जब ज्यादा ओढ़ते रहते हैं ना इधर से उठा के इधर, तो इतने में यहां से खिसकना शुरू हो जाता है, फिर आप दोनों हाथ से अच्छे तरीके से उसे कस के लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं फिर खुल जाता है। यानी एक अजीब ही तमाशा लगा रहता है, और ये मामला हर एक के साथ है। हमारे दुपट्टे, हमारा जो दुपट्टा है वो अच्छा नहीं है, अच्छा लिबास नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि दुपट्टा लेना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमें उसमें मुशक्कत होती है, और उसके मुकाबले में हम जब स्कार्फ लेते हैं या कोई ऐसी चीज तो उसको बांध लेते हैं ना, तो बंधे हुए में आसानी होती है, लेकिन स्कार्फ में भी मसाइल है, क्योंकि जहां पंखा होता है तो पीछे से स्कार्फ उड़ के वो आगे चला जाता है, बाजू का स्कार्फ ही गया सिरे से, तो ओढ़नी के बगैर नमाज नहीं होती। यानी आप फिर जब नमाज पढ़ोगे और आपका दुपट्टा उतर गया तो गई नमाज, शर्त है ना। फिर आप जब दोबारा लेके दोबारा पढ़ने खड़े हो जाएंगे तो वो पहली बारी नमाज कहां गई, बातें। इसलिए पहले से ही ठीक करके नमाज पढ़नी है।